राजस्थान के राजनीतिक ड्रामे पर अब अशोक गहलोत ने खुलकर सचिन पायलट पर हमला किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट कभी उनकी बात नहीं मानते और बिना किसी की परमिशन के विदेश जाते हैं। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि हम लगातार 3 दिन से कह रहे हैं कि जो भी हमारा कर्ता विधायक नेता है उन सभी का स्वागत है। सुबह सचिन पायलट ने जो कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तो साथ में हूं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, उसी का जवाब रणदीप सुरजेवाला ने दिया है। बाकी पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट के कार्यकाल में कैसा परफॉर्मेंस था, क्या कमिटमेंट था, इस पर मैं बोलना नहीं चाहता, वो इतिहास में लिखा जाएगा। सचिन पायलट ने आरोप लगाए थे कि अशोक गहलोत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मदद कर रहे हैं। इस पर गहलोत ने कहा कि इनका प्लान जो था वो फेल हो गया है, बीजेपी में उनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, तब जाकर इन्होंने अपना प्लान बदला। बीजेपी से बात करके इन्होंने तय किया था कि हम नई पार्टी बनाएंगे, आप हमारा साथ दीजिए और जब हम इस्तीफा देंगे तो बीजेपी हमारे खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, सब जीत कर आएंगे और बीजेपी हमें समर्थन देगी और हम सब सरकार बनाएंगे। इन्होंने बीजेपी से वादा ले लिया था, इनको इसी का घमंड था, लेकिन लोग गए ही नहीं, उसी की इनको तकलीफ है और ये नई नई बातें पैदा कर रहे हैं। मैंने पहली बार इनके मुंह से वसुंधरा जी का नाम सुना है। वसुंधरा जी को बीजेपी ने कॉर्नर कर रखा है और ये बीजेपी से मिले हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनका कमेंट जो है वो साजिश है। रिलायंस एजीएम की 43वीं मीटिंग में मुकेश अंबानी ने कहा कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश करेगी। गूगल के निवेश के साथ ही रिलायंस में अब निवेश का आंकड़ा 1,52,000 करोड़ पर पहुंच गया। इस तरह अब तक 14 कंपनियां जियो में निवेश कर चुकी हैं। जियो और गूगल मिलकर एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि हम भारत को 2G मुक्त करेंगे और सभी लोगों तक 4G स्मार्टफोन्स पहुंचाएंगे। भारत में करीब 35 करोड़ 2G फीचर फोन यूजर्स हैं। गूगल और जियो मिलकर इन लोगों के लिए सस्ता स्मार्टफोन बनाएगी। जियो का मकसद 30 करोड़ लोगों को 2G से 4G में अपग्रेड करना है। उन्होंने कहा कि जियो फोन अभी भी दुनिया का सबसे अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन है। मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन में एनर्जी सेक्टर के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियों को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज और क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी दो ऐसी बातें हैं जिनको इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एनर्जी इंडस्ट्री को यह समझना होगा कि फॉसिल्स फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। पहली 3 औद्योगिक क्रांति फॉसिल्स फ्यूल पर आधारित है, जिससे इस प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचा है, कार्बन साइकिल पूरी तरह बिगड़ चुकी है। 4थी औद्योगिक क्रांति में दुनिया की कोशिशें कार्बन साइकिल को वापस ट्रैक पर लाने की होनी चाहिए। अंबानी ने कहा कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। कोरोना वायरस के कारण एविएशन सेक्टर पर काफी बुरा असर पड़ा है। पहले से संकट के दौर से गुजर रही एयर इंडिया की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। एयरलाइन छटनी के साथ साथ कर्मचारियों को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया ने अपने कुछ कर्मचारियों को जबरदस्ती LWP यानी लीव विदाउट पे पर भेजने का फैसला किया है। एयरलाइन संकट से उबरने के लिए और लागत घटाने के लिए एक स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत एयरलाइन कर्मचारियों को 6 महीने से 2 साल तक LWP पर भेज रही है। यह बढ़कर 5 साल तक के लिए भी हो सकता है। मैनेजमेंट यह अधिकार रखता है कि वह किसी भी कर्मचारी को सही से मूल्यांकन करके एयरलाइन की जरूरतों, उसकी सेहत और कॉम्पिटेंस लेवल के आधार पर LWP पर भेज दे। स्कीम की घोषणा के बाद अब हेडक्वार्टर में डिपार्टमेंट हेड और रीजन ऑफिस में रीजनल डायरेक्टर्स ऊपर दिए गए 3 पैमानों पर ही हर कर्मचारियों का मूल्यांकन करेंगे। इस तरह के कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और बाद में इस पर CMD का ठप्पा लगेगा। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों के मूल्यांकन के दौरान मैनेजमेंट यह देखेगा कि कोई कर्मचारी काम के लिए कितना उपयुक्त है, एफिशिएंसी कितनी है, कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, परफॉर्मेंस की क्वालिटी कैसी है, उसका हेल्थ
कैसा है, पास्ट में छुट्टियों को लेकर उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर मूल्यांकन के बाद ही मैनेजमेंट किसी कर्मचारी को LWP पर भेजने के बारे में फैसला लेगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। जगह जगह पानी जमा हो गया और ट्रैफिक जाम लग गया। मौसम विभाग ने मुंबई सेंटर के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसा ही मौसम अगले दो दिन तक बने रहने की संभावना है। हाई टाइड का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हाई टाइड के दौरान आज शाम 3 मीटर ऊंची लहरें बुधवार की बारिश से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विले पार्ले और सांता क्रूज में जाम लग गया। साइन, किंग्स सर्किल, खार, हिंदमाता जैसे इलाकों में सड़कें लबालब हो गई। IMD के डिप्टी डायरेक्टर KS होलसेकर ने कहा कि अनुमान है कि आज मुंबई, ठाणे समेत कोंकण पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होगी। बहुत जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है। उन्होंने गुरुवार को बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोलाबा सेंटर पर 121.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, सांता क्रूज में 96.6 मिलीमीटर, रत्नागिरी में 101.3 मिलीमीटर और अलीबाग में 122.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से मुंबई में जगह जगह जाम की स्थिति बन गई। ऊपर से हाई टाइड वार्निंग ने टेंशन और बढ़ा दी। IMD अगले दो दिन तक ऐसे ही मौसम रहने की बात कर रहे हैं, यानी मुंबई के लिए अगले दो दिन भारी हो सकते हैं।